वंदे मातरम, तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन, तुम्हारी शरीर की जो कमजोरी है वो, या तुम्हारा दिमाग? बात ही आती है ना, कमाल का देश है अपने इधर, इतने दोगले हैं यहाँ पर कि इकट्ठा कर दो दोगलेस्तान बन जाएगा। मैं हमेशा से कहते आया हूँ, तुम्हें रोक कौन रहा है? जो लोग बुराई करते ना कि अरे उसके पास लंबी गाड़ी है, अरे साला बड़ी गाड़ी वाला अमीरी दिखाता है, तुम दिखा लो भाई। किसी ने रोक लिया आपको? रोक लिया किसी ने कि आप मेहनत करके पैसा मत कमाइए? बहुत सारे लोग हैं जो जलते हैं ना, ध्यान रखना ये बात, उनके लिए ना एक ही चीज करो, और जलाओ, क्या फर्क पड़ता है? करो, हराम का नहीं है ना, हराम का है तो डरो, अगर हलाल का है साला, मेहनत करके कमाया ना तो उसमें गर्व होना चाहिए। और आपको किसने रोका है? तो हमेशा याद रखो, बुराई वो ही करते हैं जो साले बराबरी नहीं कर पाते। तो इसलिए फोकस इस पे रखो कि तुम्हें किसने रोका है कि तुम बड़ी गाड़ी मत लो, बड़ा घर मत लो, अच्छे कपड़े मत पहनो, अच्छे लोगों के साथ मत रहो, कहीं घूमने मत जाओ, अपने माँ बाप के लिए बड़ी फैसिलिटीज मत लो, बड़ा घर मत बनवाओ। किसने रोका है? नहीं रोका ना, तो कहे की शिकायत बे, खुद से हो नहीं रहा है, दूसरे को करने नहीं देंगे, दूसरा कर लेगा, तो कहेंगे अबे इसको तो हराम में मिल गया, इसने ऐसे ही मिल गया। बुराई करेंगे, बुराई वो ही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। मर्जी आपके, कहीं आप भी तो किसी की बुराई नहीं कर रहे। सिंपल सा है, अपने ऊपर ध्यान, और इस बात पे ध्यान रखना कि तुम्हें किसने रोका है अधिकारी बनने से, बड़ा क्रिकेटर बनने से, बड़ा स्पोर्ट्समैन बनने से, बड़ा एक्टर बनने से, जिस भी फील्ड में सीईओ बनने से कंपनी का किसने रोका है? इट्स योर पर्सनल चॉइस। तो ध्यान रखो कि बेहतर है अगर किसी ने नहीं रोका है तो अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान ले लो। यही तो समस्या है, खुद की बच नहीं रही है, दूसरों की पे ध्यान है। देख लो, बाकी मर्जी आपकी, आप लोग बहुत समझदार हैं। चलो बोल दिया तो मान लिया। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।